जिन कपल्स के यहाँ पहली बार बेबी आता है और उन्होंने ये सुन रखा होता है कि बच्चों को पहली सर्दी और पहली गर्मी से बचाना चाहिए, तो पहली सर्दी से बचाव के लिए वो क्या करते हैं? सबसे पहले बच्चे को पहनाते हैं स्लीवलेस बुनियान, उसके ऊपर एक हाईनेक, फिर एक शर्ट, फिर एक स्वेटर, फिर एक जर्सी। उसके बाद उसे वो पूरे पैकिंग वाले जो बिस्तर मिलते हैं उसके अंदर बच्चे को लटाते हैं। फिर उसके बाद सोते वक्त माँ की कोशिश होती है कि ऊपर कंबल रहे, सर पे कैप रहे और साथ साथ कमरे में चलाया होता है हीटर। अक्सर औकात ये होता है और ये बहुत ज्यादा मदर्स ये मिस्टेक करती हैं। फिर कहती है कि बच्ची को सर्दी लगी, नुजायदा बच्चे को, ये 2 साल से कम उम्र बच्चे को अक्सर उकात सर्दी इसी वजह से लगती है क्योंकि जब आप इतना ज्यादा लपेट के रखते हैं बच्चे को, उसके बाद जब भी आप डायपर चेंज करने के लिए बच्चे को निकालते हैं या नहलाने के लिए निकालते हैं तो फौरन ही बच्चे को सर्दी लग जाती है। सर्दी से बचाव के लिए मैंने एक पहले ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, पहले आप वो देखिए। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चे को एक जैकेट बना के रखें जो कि रुई की बनी होगी। उस वक्त चूंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद भी आपको वह जैकेट दिखाना थी। अब आपने क्या करना है, बच्चे को इतनी ज्यादा चीजों में लपेटना नहीं है क्योंकि इसी वजह से ज्यादा सर्दी लगती है। अगर आपके कमरे में हीटर चल रहा है, एक हाईनेक और शर्ट पहना के बच्चे को रखें क्योंकि कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल ही है। अगर आपके इलाके में सर्दी बहुत ज्यादा है और आपके घर में हीटर अवेलेबल नहीं है या हीटर अवेलेबल भी है तो आपने बस एक इस तरीके से जैकेट बनानी है। ये रुई की जैकेट होती है, इसमें आपने जो कॉटन है रुई की थोड़ी सी लेके और इस तरीके से आपने सी लेनी है और ये आप देख सकते हैं साइड पे बटन लगा के इसे बंद कर देना। नीचे आप एक बुनियान बनाए, ऊपर आप ये वाली जैकेट बनाए और उसके ऊपर आपको शर्ट पहना दे। ना आपको कोई स्वेटर की जरूरत है पहनाने की, ना एक्स्ट्रा कंबल लपेटने की जरूरत है क्योंकि बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए सबसे पहले आपने उसके सीने पे ठंड नहीं लगने देना चाहिए। इस तरीके से पहनाने से आपको यही फील होगा कि आपने बच्चे को रजाई हर वक्त दी हुई है। इस तरह की जैकेट 2-3 बना के रख लीजिए, इजिली वॉशेबल है, आराम से पहना के रखिए। ये पहना लिए, सर पे कैप दे, पाँव में सॉक्स पहनाए और उसके बाद बहुत ज्यादा कंबल में लपेटने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा चीजों में लपेटने की जरूरत नहीं, आपका बच्चा सर्दी से महफूज रहेगा। और जब आप बच्चे को नहलाएं तो किस तरह से नहलाते हैं वो भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि सर्दियों में मालिश किस तरह करनी है और नहलाना किस तरह, वो भी आप वीडियो देखिए। अगर आप इस तरह की जैकेट बनवा सकते हैं तो बनाएं, ये बहुत इजीली बन सकती है। जो रजाई सीने वाली सुई होती है उसके साथ ही ये आराम से हाथ से बनती है। घर की अम्मी अपनी सास को कहें कि वो बना देंगी और इसके बाद अपने बच्चों को पहनाइए और बेफिक्र हो जाइए, आपके बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी। तमाम मदर जो मुझसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बच्चों को सर्दी लगी है, छोटे बच्चे, नुजायदा बच्चे हैं, 2 साल से कम उम्र बच्चे को उनके साइज के मुताबिक बनवा के हर वक्त पहना के रखिए सर्दियों में। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई हाईनेक, स्वेटर वगैरह या फिर जैकेट्स वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पहनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बच्चे भी सेफ रहेंगे सर्दी से। ये वीडियो यहीं तक थी, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, इस बच्चे की दादों जिन्होंने इसे जैकेट बना के दी है और मुझे भी ये जैकेट बना के दी थी मेरे बच्चों के लिए, वो बहुत ज्यादा बीमार है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में उन्हें याद रखें। अल्लाह ताला किसी के दुआ के तो फैल उन्हें सेहत और जिंदगी अता करे क्योंकि हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज आप लोगों से बहुत ज्यादा